Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं यशन सेवन मीडिया में संवाददाता सत्येंद्र यादव उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई शिवरात्रि। उज्जैन प्रशासन द्वारा आने वाले सभी श्रद्धालुओं के को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। व्यवस्थित बैरिकेड, सुचारू रूप से संचालित निःशुल्क जूता स्टैंड, कारों और असंख्य दुपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग स्थल, सुविधाजनक प्रसाद, धूप से बचाव हेतु टेंट, चलने हेतु मैटिंग, दर्शनार्थियों के मार्ग में जल का छिड़काव, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था की गई। साथ ही 25,000 मास्क का वितरण किया गया। दर्शनार्थी भी प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से काफी प्रसन्न दिखाई दिए। उज्जैन से संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। अभिषेक नाम है मेरा, मैं वाराणसी से आया हूँ और यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। लगभग कच्छ भुज के पास आता है गांधीधाम, वहाँ से आया हूँ दर्शन करने खास महादेव का। कैसी व्यवस्था लगी आपको? एकदम बढ़िया लगी, मज़ा आ गया। लाइन में लगे 4-5 घंटे लगे, लेकिन दर्शन बढ़िया हो गया। हम सूरत से आए हैं, आज महाशिवरात्रि है, महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए हैं, बहुत आनंद आया है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही है? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी तरह दर्शन हुआ है। इधर दर्शन करके मेरा नाम जितेंद्र धाकड़ है, हम लोग इंदौर से आए थे। बेसिकली मैं वैसे तो रहने वाला बरेली से हूँ, लेकिन जब हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यार पता नहीं हम लोगों को लगा कि दर्शन यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी थी। इवन कुंभ के टाइम पे भी जो व्यवस्था हुआ करती थी, आप सब लोगों ने जैसे देखा होगा।